अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सीनियर केजी सब्जेक्ट अरबी। प्यारे बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने बाद वाले हरूफ को लिखा, आज हम लिखेंगे अगर ना हरूफ लखो, यानी पहले वाले हरूफ को लिखना है। इंग्लिश में बिफोर हरूफ कहते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो था वो पहले हरूफ लिखा हुआ था और बाद में खाली जगह यानी बॉक्स दिया गया था। अब क्या है, पहले बॉक्स खाली दिया गया है और बाजू में हुरूफ लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हमें आगे का हुरूफ लिखना है। तो यहाँ पर हम समझेंगे पहले ये कौन सा हुरूफ है, बा। क्या है, बा। तो बा के पहले कौन सा हुरूफ आएगा वो हमें यहाँ पर बॉक्स के अंदर लिखना है। तो बा के पहले अलिफ आता है तो हमें इसी तरह अलिफ लिखना है। इसी तरह यहाँ पर स्वाद हुरूफ लिखा हुआ है, स्वाद के बाद कौन सा हुरूफ, स्वाद के पहले कौन सा हुरूफ आता है, स्वाद के पहले शीन, शीन के बाद स्वाद आता है। तो यहाँ पर हम इसी तरह शीन हुरूफ को लिखेंगे। जो हुरूफ लिखा हुआ है, जो के पहले कौन हुरूफ आएगा, तो हमें इसी तरह तो हुरूफ कटे हुरूफ में लिखना है, तो। उसी के बाद यहाँ पर ये फा हुरूफ लिखा हुआ है, फा के पहले कौन सा हुरूफ आएगा, तो हमें अलिफ से लेकर फा तक बोलना चाहिए। अली बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन सो दो तो जो ऐन गैन और फा। तो कौन सा हरूफ आया फा के पहले, गैन। तो हमें इसी तरह पढ़कर गैन हरूफ को लिखना है। तो प्यारे बच्चों, अगर समझ में ना आए तो जो हरूफ लिखा हुआ हो उसी हरूफ तक अलीफ से लेकर वो हरूफ तक पढ़ना है, तो हमें आसानी के साथ क्या हो जाएगा, हरूफ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये काफ है, काफ के पहले कौन सा हुरूफ आएगा, कौफ। तो हमें इसी तरह कौफ हुरूफ को लिखना है कटे हुरूफ में। उसी के बाद यहाँ पर है लाम, तो प्यारे बच्चों लाम के पहले कौन सा हुरूफ आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाम के पहले कौन सा हुरूफ आएगा, तो लाम के पहले, लाम के बाद मीम आता है, मीम के पहले कौन सा हुरूफ आता है, मीम के पहले लाम आता है, ने लाम के पहले तो पढ़ेंगे हम गैन फा कौफ काफ, काफ ने लाम, तो कौफ के बाद काफ ने काफ के बाद लाम, तो हमें यहाँ पर काफ हरूफ लिखना है। क्या लिखना है, काफ, कौफ काफ लाम, तो हमें काफ के बाद लाम आएगा और लाम के बाद कौन सा हरूफ आएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे नून हरूफ है, कौन सा हरूफ है, नून। नून के पहले क्या आएगा, तो नून के पहले मीम आएगा, क्या आएगा, तो हमें मीम हरूफ को कटे हरूफ में लिखना है, मीम के बाद नून। अब यहाँ पर हा हुरूफ है, हा के पहले कौन सा हुरूफ आएगा, तो यहाँ पर लिखना है वाव, वाव के बाद हा आता है और हा के पहले वाव हुरूफ आता है। यहाँ पर ये ता है, ता के पहले कौन सा हुरूफ आएगा, बा, बा, बा के बाद ता और ता के पहले बा। तो हमें इसी तरह अगर आगे की खाली जगह दी गई है तो हमें इसी तरह हुरूफ को लिखना है। प्यारे बच्चों, ये है जीम, जीम से पहले क्या आता है, सा, सा के बाद जीम आता है और जीम के पहले सा हुरूफ आता है। खा, खा से खमर जो हम पढ़ चुके, खा के पहले हा आएगा, हा से हमामा, हा हुरूफ को इसी तरह लिखना है। ये क्या है, सीन, सीन के पहले कौन सा हुरूफ आता है, जा, जा कटे हुरूफ में हमें लिखना है इसी तरह। उसी के बाद यहाँ पर कौन सा हुरूफ है, शीन, शीन के पहले सीन आता है तो हमें इसी तरह सीन लिखना है, सीन के बाद शीन। दोत के पहले सोत, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सोत, इसी तरह कटे हुरूफ में हमें हुरूफ लिखना है। तो के पहले दोत, तो हमें इसी तरह दोत हुरूफ को लिखना है। उसी के बाद यहाँ पर हमें दाल है, दाल के पहले कौन सा हुरूफ आएगा, खा, खा से खमर, खा के बाद दाल आता है तो खा से खमर हुरूफ आता है, हमें इसी तरह खा हुरूफ को लिखना है। ये क्या है, जाल, तो जाल के पहले खाली जगह है तो जाल के पहले कौन सा हरूफ आएगा, दाल। यहाँ पर दोत, दोत के पहले खाली जगह है, दोत के पहले स्वाद, तो हमें इसी तरह स्वाद हरूफ को लिखना है। दोत के पहले स्वाद लिखकर यहाँ पर आगे हम देखेंगे, यहाँ पर ऐन हरूफ है, ऐन के पहले कौन सा हरूफ आता है, जो, तो हम इसी तरह जो जो हरूफ को लिखेंगे। यहाँ पर फा, फा के पहले गैन, तो इसी तरह हमें गैन से गला पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। यहाँ पर गैन, गैन के पहले आइन, आइन के बाद गैन हरूफ आता है, तो इसी तरह हमें हरूफ को समझकर लिखना है। कौफ, कौफ के पहले फा आता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे फा, कटे हरूफ में लिखना है।
यहाँ पर हमजा, हमजा के पहले हा आता है तो हम यहाँ पर हा हुरूफ को लिखेंगे। जा, जा के पहले रा हुरूफ आता है तो हमें रा हुरूफ लिखना है। इसी तरह यहाँ पर ये कौन सा हुरूफ है, हा, हा के पहले जीम तो हमें इसी तरह जीम हुरूफ को लिखना है। रा, रा के पहले कौन सा हुरूफ आएगा, जाल, जाल के बाद रा हुरूफ आता है। ये सा, सा के पहले ता हुरूफ आता है तो हमें इसी तरह सा के पहले ता हुरूफ को लिखना होगा। इसी तरह यहाँ पर ये है मीम, मीम के पहले कौन सा हुरूफ आएगा, लाम, लाम के बाद मीम, मीम के पहले लाम होता है। यहाँ पर वाव है, वाव के पहले कौन सा हुरूफ आएगा, नून, कौन सा हुरूफ आएगा तो हमें नून हुरूफ को लिखना है। वाव के पहले नून और नून के बाद वाव, वाव के यहाँ पर या हुरूफ है और या के पहले कौन सा हुरूफ आएगा, हमजा, तो हमें यहाँ पर लिखना है हमजा, हमजा के बाद या। तो हम पढ़ेंगे लाम मीम नून वाव हा हमजा या, तो हमें आसानी के साथ समझ में आ जाएगा कि इसके पहले कौन सा हुरूफ आएगा, इसके बाद कौन सा हुरूफ आएगा। तो प्यारे बच्चों हमें इसी तरह समझ कर आगे के, यानी अगर पहले खाली जगह है तो आगे का हुरूफ लिखना है, बाद वाली खाली जगह है तो बाद वाले हुरूफ को लिखना है, बीच वाली खाली जगह है तो खुट्टा हुरूफ लिखना है, अगर पूरी खाली जगह एक हुरूफ लिखकर पूरा खाली जगह दी गई है तो हमें खाली जगह को पूर करना है अलीफ से लेकर या तक, तो वो हमें लिखते आना चाहिए। तो हमें हमारी अरबी की नोटबुक में दो मरतबा लिखना है, क्या कितने मरतबा लिखना है, दो पेज भरकर दो मरतबा होमवर्क करना है, आगे के हुरूफ भी और उसके पहले के पछीना हुरूफ भी। हमें कितनी मरतबा होमवर्क करना है, दो दो मरतबा होमवर्क करना है। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।